वर्ट दिस अपलियर और वन प्लस एट टी जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और हमारे पास इसकी जो है डेट लॉन्चिंग डेट जो है वो सामने आ चुकी है एंड कुछ कुछ इसके जो है स्पेक्स जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं कुछ कुछ जो है वो र्यूमर्ड हैं तो उन्हीं कंप्लीट के बारे में जो है आज हम बात करेंगे इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक यूर टू सब्सक्राइब इट दिस निकिल यू आर वॉचिंग टेस्ट एंड दिस विट इज अबाउट वन प्लस एट टी तो वन प्लस ने ऑफिशियली जो है बता दिया कि वन प्लस एट टी जो है वो फोर्टीथ ऑफ अक्टूबर को जो है वो लॉन्च होगा बट एक चीज़ उसमें काइंड ऑफ मिसिंग थी मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कंप्लीट जो है एक लाइनअप रहेगी जैसे लास्ट ईयर होता था वन प्लस सेवन टी एंड सेवेंटी प्रो करके तो इस बार कंफर्म नहीं है कि वन प्लस एट टी और एट टी प्रो दोनों देखने को मिल सकते हैं मिलेंगे हो सकता है कि सिर्फ जो है एक ही स्मार्टफोन रहे वन प्लस एट टी नाम से बट दैट इज स्टिल टू बी कन्फर्म्ड बाकी बात करें तो ये जो है चौदह तारीख को जो है वो लॉन्च होगा स्मार्टफोन एंड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन हैं ऑलरेडी स्मार्टफोन से बात करें मैं इसके डिज़ाइन की तो डिज़ाइन रेंडर्स जो सामने आए हैं काफ़ी ज्यादा जो सही लग रहे हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा वन प्लस नॉड काइंड ऑफ मुझे डिजाइन लगा पैक का, का कैमरा मॉड्यूल वही जो है रिक्टेंगुलर है बट थोड़ा ज़्यादा जो है वो वाइडर है एंड फ्रंट की बात करें तो हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है टॉप लेफ्ट में बाकी बात करें इसके फ्रंट के डिस्प्ले के तो हमें 6.55 इंच की फुल एच डी प्लस एमोलेट पैनल देखने को मिलता है वन प्लस है तो एमलेट तो रहेगा ही एंड रिफ्रेश रेट जो है वो बम्प डब रहेगा 120 ट्वेंटी का जो रिफ्रेश रेट देखने को हमें मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा जो अच्छी चीज़ है कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का जो वो रह सकता है बैक की बात करें तो बैक का प्राइमरी सेंसर जो हमारा 48 मेगापिक्सल का रहेगा और ये र्यूमर्स है कि इसका जो है एक नया जो है वो सोनी का जो है वो सेंसर रहेगा तो देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है उसके अलावा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस रहेगा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो वो रहेगा एंड ओवरऑल बैक की मैं बात करूँ तो मुझे जो काफ़ी ज्यादा वो पसंद आ रहा है काइंड ऑफ एस ट्वेंटी जो है वो इसको मिल है और काफी ज्यादा स्मार्टफोन जो है वो जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जब तो जो है क्योंकि Nord का उतना जो अच्छा जो है वो नहीं लगा, मुझे पर्सनली एंड उसके अलावा बात करें इंटरनली तो इंटरनली एक चीज नहीं है कि हो सकता है कि इसमें स्नैप 865 हो और स्नैपड्रैगन 865 प्लस जो है वो भी हो सकता है तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो बैटरी की बात करूं तो हमें 4500 फाइव की बैटरी देखने को मिलेगी 65 फाइव की फास्ट चार्जिंग भी जो है वो देखने को हमें इस पर मिल जाएगी तो ओवरऑल स्मार्टफोन बिल्कुल जो है फ्लैगशिप लेवल का जो है वही रहने वाला है कैमरा परफॉर्मेंस में हमेशा उतना जो वो अच्छे नहीं रहते वन प्लस के डिवाइसेस, बट उसके अलावा हर चीज़ में जो बहुत ही ज़्यादा तकड़े रहेंगे और प्राइसिंग जो है फॉर श्योर प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा जो अच्छी रहेगी ये कुछ कुछ चीज़ें जो वो कन्फर्म हुई हैं बट काफी सारी चीज़ें अभी रूमर्ड ही हैं मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आई होप सो so कि इसको जो है और भी ज़्यादा एग्रेसिवली प्राइस कर दे वन प्लस तो मज़ा आ जाएगा आ, उसके अलावा जो है वन प्लस और कुछ चीज़ें भी जो लॉन्च करे हो सकता है कि वन प्लस जो अपना फर्स्ट स्मार्ट वॉच जो है वो भी लॉन्च कर दे साथ ही साथ वन प्लस जो है अपने बर्ड्स भी जो वो लॉन्च करने वाली है और पावर बैंक भी जो वो भी लॉन्च करेगी तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखते हैं चौदह फोर्टीन अक्टूबर को आ, कैसा जो है स्मार्टफोन रहता है और क्या क्या अलग अलग चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं बाकी आप बताना आपको वीडियो कैसे लगेगी दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब था नहीं वन प्लस पे कवर करने को मेरे हिसाब से जितना मुझे लगा सफिशिएट है उतना ही जो है वो बताया जाए बाकी आप बताना आपकी वीडियो कैसे लगे और एट्टी के बारे में आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है यू कैन ऑल्सो फोलोज ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑल्स जॉइन ऑफ द डिस्कॉड फॉर मोर गेमिंग रिलेटेड थिंग्स एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को दिस साइनिंग ऑफ मीट इन द नेक्स्ट सा